कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो सब जानती है हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत ये मुसलमानों का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्रेम, यहाँ का विश्वास, यहाँ का मोहब्बत के माहौल को तोड़ने की तुमने जो कोशिश की आज 22 साल के बाद आज हमने जता दिया है कि लाख कोशिश कर लो लेकिन सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। भूखों से यह चराग बुझाया ना जाएगा। मैं लंबी छोड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद के इशू को हर साल 6 दिसंबर को हमने इस इशू को पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठाया। गुज़िश्ता 22 सालों से हम उठाते आ रहे हैं। आज का दिन हिंदुस्तान की हर रियासत में, हर सिटी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दीगर संगठनों के साथ, ऑर्गेनाइजेशनों के साथ, पार्टियों के साथ मिलकर आज हिंदुस्तान की हुकूमत को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ की राजनीति को यह चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारी तबाही के दिन करीब है। हम सब एक हो चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत मोहब्बत को कभी दबा नहीं सकती, छुपा नहीं सकती। दोस्तों मैं लंबी छोड़ी बात नहीं करूंगा, एक विनती करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि आज जो शुरुआत जिन लोगों ने की है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मुबारकबादी उसी वक्त उनके लिए लायक होगी जब इस कोशिश को ये जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ 6 दिसंबर का एक दिन इससे काम नहीं चलेगा। जमहूरियत के अंदर आवाज उठानी पड़ती है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं हुकूमत के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ मुसलसल लड़ाई लड़ना होगा। पॉपुलर फ्रंट अपनी पूरी फोर्स के साथ आप सबके साथ कंधे से कंधा